दूर्वा यानी दूब, यह एक तरह की घास होती है जो गणेश पूजन में प्रयोग होती है। एकमात्र गणेश ही ऐसे देव हैं जिनको यह चढ़ाई जाती है। दूर्वा गणेश जी को अतिशय प्रिय है। 21 दूर्वा को इकट्ठी करके एक गांठ बनाई जाती है तथा कुल 21 गांठ गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती है। लेकिन आखिर क्यों दूर्वा की 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं? इसके लिए पुराणों में एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य के कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर ऋषि मुनियों और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। दैत्य से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव से प्रार्थना करने पहुंचे। सभी ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का नाश करें। शिवजी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा कि अनलासुर का अंत केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। जब श्री गणेश ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। जब गणेश जी ने दूर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाते वक्त 10 मंत्रों को बोलें, यानी हर मंत्र के साथ 2 दूर्वा चढ़ाएं और आखिरी बची दूर्वा चढ़ाते वक्त सभी मंत्र बोलें। ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशनाय नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः।